एक शानदार अभिनेता, सुरीले गायक, उम्दा निर्माता निर्देशक और एक बेहतरीन संगीतकार, किशोर दा को गुजरे 33 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हरफन मौला, मन मौजी, ऐसा ही किशोर कुमार का मिजाज था। जितनी बेहतरीन किशोर दा की आवाज थी, उतने ही रोचक उनकी जिंदगी के किस्से भी हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आज आपको किशोर कुमार से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से ही हम सुनाने जा रहे हैं। बताया जाता है कि किशोर कुमार की बचपन में आवाज बहुत खराब थी, लेकिन एक दिन उनके पैर की उंगली कट गई और दर्द की वजह से वो कई दिन रोते रहे। ये भी कहते हैं कि वहीं से उनका गला खुल गया था। किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बिवेयर ऑफ किशोर का साइन बोर्ड लगा रखा था। निर्माता निर्देशक HS रवैल जब उनके घर में घुसे तो उनसे मिलकर बाहर जा रहे थे किशोर दा ने उनका हाथ काट लिया। जब रवैल ने पूछा तो किशोर ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको साइन बोर्ड देखना चाहिए था। किशोर कुमार के बारे में एक और किस्सा बहुत मशहूर है। उन्हें एक फिल्म नहीं करनी थी, या हम यूं कहें कि उनका करने का मन नहीं था। वो डायरेक्टर को बस सीधे कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने बाल ही मुंडवा लिए ताकि उन्हें हीरो लिया ही ना जाए। जब डायरेक्टर उनके पास ऑफर लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, अब क्या कहें, मैंने तो बाल ही मुंडवा लिए। इस पर उस डायरेक्टर ने ठहाका लगाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए विग लाया हूं, आप ये विग पहनकर शूटिंग कीजिएगा। 1962 में आई फिल्म हाफ टिकट का गाना आके सीधे लगी दिल पे जैसी में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अपनी आवाज देनी थी। किसी वजह से लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर कुमार ने कहा, क्या मैं कोशिश करके देखूं? फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गुनगुनाना शुरू किया। मजे की बात तो ये है कि गाना एक टेक में फाइनल कर दिया गया और ये गाना इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी लोगों की जबान पर रहता है। किशोर कुमार फिल्म के एक शॉट के दौरान कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। इसी फिल्म के एक और कार सीन में डायरेक्टर ने समझाया था, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है। सीन कट हो जाएगा, लेकिन किशोर दा कार से नहीं उतरे। वहीं डायरेक्टर इंतजार करता रहा। अगले दिन पता चला कि वो कार से खंडाला चले गए थे। फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गाना 5 रुपया 12 आना खूब हिट हुआ था। इस गाने में किशोर कुमार और मधुबाला का चुलबुला अंदाज दिखाई दिया था, लेकिन इस गाने की कहानी किशोर दा के कॉलेज से जुड़ी हुई है। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा रहे थे। किशोर दा को काका की कैंटीन के पोहा और जलेबी बहुत पसंद थे। मुफलिसी के दौर में वो यहां से चाय, पोहा, जलेबी उधार खाया करते थे। इसी उधारी के चक्कर में किशोर दा पर कैंटीन के काका का 5 रुपया 12 आना का उधार हो गया। जब भी वो अपने पैसे मांगते, किशोर दा अपने ही अंदाज में गाने लगते, 5 रुपया 12 आना। फिल्म इंडस्ट्री में पैसा कमाने के बाद भी कैंटीन का उन पर उधार हमेशा रहा। एक बार किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए थे। ये बात किशोर कुमार को नागवार गुजरी, जिसके बाद किशोर दा आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। किशोर कुमार लता मंगेशकर को बहुत मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। हमेशा वो प्रोड्यूसर से पूछते थे कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आपने लता मंगेशकर को कितने पैसे दिए हैं, और जो भी पैसा आप लता मंगेशकर को दे रहे हैं मुझे उससे 1 रुपया कम दे। किशोर कुमार को अपनी पहली कार से बेहद प्यार था। जब वो कार बेकार हो गई तो किशोर कुमार ने उसे कबाड़ में फेंकने के बजाय उसे अपने गार्डन में दफना दिया। इतना ही नहीं, उसे लेकर कई दिनों तक शोक भी मनाया था। आज किशोर कुमार भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो दुनिया वालों को अपने गानों की ऐसी सौगात दे गए जो उन्हें सबके दिलों में हमेशा जिंदा रखेगी।